हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैनू उम्मीद है कि थोनू लॉगरिदम वाली जिहड़ी वीडियो है वो काफ़ी पसंद आई होवेगी। तो अज असी एंटी लॉगरिदम बारे गल करांगे। हुण तक असी दो तरह दीआं वैल्यूज दा लॉग देखिया। एक ओ वैल्यूज सीगियां जिहड़ियां ग्रेटर दैन वन सी, जिन्हां दे विच करैक्टरिस्टिक जिहड़ा है करैक्टरिस्टिक हमेशा पॉजिटिव आंदा है। दूसरियां ओ वैल्यूज जिहड़ियां लैस दैन वन सीगियां जिन्हां दे विच करैक्टरिस्टिक नैगेटिव आंदा है। ये दोनों ही केस असी लॉगरिथम वाली वीडियो दे विच डिस्कस कीते। हुण असी इन्हां दोनों केसिज़ नूं एंटी लॉगरिथम दे विच किस तरह देखते हैं, या इन्हां दोनों वैल्यूज़ दा एंटी लॉग किस तरह देखिया जाता है, उहदे बारे गल करांगे। एंटी लॉगरिथम द एंटी लॉगरिथम ऑफ ए नंबर is the inverse process of finding the logarithms of the same number. If we have लॉग, क्योंकि असी इत्थे हमेशा जिहड़े कॉमन लॉग की गल करते हैं, तो कॉमन लॉग जिहड़े आ लॉग टू बेस 10 होंदे आ। लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स अगर साडे कोई वैल्यू है, दैन असी इनू एंटी लॉग की केस च लॉग जदों इक्वैलिटी साइन दे दूसरी साइड ते जांदा है, दैन वाई इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ एक्स असी कहांगे। ए बी टू द बेस 10 है। जे इहदी एक एग्जाम्पल सिंपल फॉर्म दे विच इहदी एक एग्जाम्पल जिहड़ी है वह मैं लवां, तां तुहानू पता है कि लॉग 10 जिहड़ा है वह 1 हुंदा है, ठीक है जी। दैन असीं इह कह सकते हाँ कि 10 इज़ द एंटी लॉग ऑफ 1। अगर असीं 1 दा एंटी लॉग लईए तां उह 10 आएगा। दोनों केसिस दे विच मेंटेसा नूं फाइंड आउट करन दा जिहड़ा मैथड है वो बिल्कुल सिमिलर है। जिस तरह असी लॉग टेबल नू 4 पार्ट्स दे विच डिवाइड कीता सी, इसी तरह असी एंटी लॉग दे केस दे विच भी जिहड़ा साडे कोल एंटी लॉग लॉगरिथम टेबल है उहनू भी असी 4 पार्ट्स दे विच डिवाइड करदे हां। एक आ जिहड़ा पहला कॉलम है इहनू असी ए दे नाल रिप्रजेंट कर दिंदे हां, दैन आ जिहड़ी रो है 0, 1, 2, 3, 4 to 9 तक इहनू असी बी दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं। आ जिहड़ियां वैल्यूज हैगियां आ मेंटेसा दियां इहनू असी सी दे नाल रिप्रेजेंट कर लैंदे हां, ते लास्ट दे विच साडे कोल आंदा आ मीन डिफरेंस, जिस तरह असी लॉगरिथम दे विच कीता सी सेम उसी तरह एंटी लॉगरिथम दे विच हैगा आ। चलो असी हुण जल्दी एक एग्जाम्पल लै के इहदे बारे गल करते हैं। पहला केस असी उह लवांगे जिहदे विच करैक्टरिस्टिक जिहड़ा है वह पॉजिटिव हुंदा है, in which characteristic is positive. उदे विच असी एक एग्जाम्पल लैने हां कि find the anti-log of 2.5463, ठीक है जी। हुण तुहानू पता है कि अगर ये लॉग दा इनवर्स है तो इहदा मतलब यही है कि आ जिहड़ी वैल्यू है दैट इज़ द लॉग ऑफ द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड आउट। इहनू असीं दो पार्ट्स दे विच डिवाइड कर सकते हैं, दिस इज़ द करैक्टरिस्टिक पार्ट एंड दिस इज़ द मेंटेसा पार्ट। सो फर्स्ट इन फर्स्ट स्टैप वी हैव टू सैपरेट द करैक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा पार्ट ऑफ द नंबर। सो
करैक्टरिस्टिक पार्ट इहदे विच है टू, ते मेंटेसा इहदे विच है 0.5463। एंटी लॉग टेबल दे विच असी पहले दो डिजिट्स 54 है, ए कॉलम दे विच असी 54 नू फाइंड आउट करांगे। दिस इज़ द 54, इनू असी नोट डाउन कर लैने हैं 54। अगला डिजिट है 6, इनू असी बी कॉलम दे विच 6 तो असी 54 वाली रो दे विच चला जाएंगे। दैन वी हैव वैल्यू 3516, इनू असी नोट कर लैने हैं 3516। ओके, एंड द नेक्स्ट फोर्थ डिजिट इज 3, मीन डिफरेंस 3, सेम उसी हॉरिजॉन्टल रो ते असी मीन डिफरेंस 3 दे विच चले जावांगे। 3 वाले कॉलम च उत्थे साडे को वैल्यू आ रही है 2, इनू भी असी नोट कर लैने हैं, हेयर द वैल्यू इज 2। सो नेक्स्ट स्टेप की सीगा, इन दोनों नू असी ऐड कर देना। थ्री फाइव वन एट, सो ये जिहड़ी वैल्यू है ये साढ़े कोल इस मेंटेसा तो असी ये एंटी लॉग की वैल्यू जिहड़ी है वो देख ली, पर अजे करैक्टरिस्टिक का काम जिहड़ा वो बाकी है। करैक्टरिस्टिक इहदे विच साढ़े कोल किन्ना है 2। हुण तुहानू याद होवे कि अगर साढ़े कोल वैल्यू ग्रेटर दैन 1 हुंदी सी लॉगरिदम जदों असी देखते हाँ, तो जदों वैल्यू ग्रेटर दैन 1 हुंदी सी तां उहदे विच जिहड़ियां डैसीमल पॉइंट दे लैफ्ट साइड ते किन्ने डिजिट हुंदे सीगे उहनां दे विचों एक लैस कर दिंदे सी असी, तां साढ़े कोल करैक्टरिस्टिक आ जांदा सी। इहदा मतलब इह है कि इह जिहड़ा करैक्टरिस्टिक है इहदे विच एक अगर असी ऐड कर दिंदे हाँ दैन सानूं उन्ने डिजिट्स फ्रॉम लैफ्ट साइड तों काउंट करके असी डैसीमल पॉइंट जिहड़ा है वो लगावांगे। इत्थे साढ़े कोल करैक्टरिस्टिक है 2, सो डैसीमल पॉइंट जिहड़ा है वो 3 डिजिट्स आफ्टर डैसीमल पॉइंट जिहड़ा है वो लगेगा 1, 2, 3, तो डैसीमल पॉइंट इस जगह ते आएगा। सो दस एंटी लॉग ऑफ 2.5463 इज 351.8। दिस इज अवर आंसर। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। फाइंड द एंटी लॉग ऑफ 0.4562। ओके, सो एंटी लॉग देखना है, इहदा मतलब ये जिहड़ी वैल्यू है दिस इज द करैक्टरिस्टिक एंड दिस इज द मेंटेसा, इहनू असीं अलग अलग लिख देवांगे। करैक्टरिस्टिक जिहड़ा है इहदे केस च 0 है, मेंटेसा जिहड़ा है वो असीं लिखदे हाँ दैट इज 0.4562। हुण असीं की करना है, पहले दो डिजिट्स ते थर्ड ते फोर्थ डिजिट बिल्कुल उसी तरीके दे नाल जिदां असीं पहलां देखिया सीगा एंटी लॉग वो असीं देखदे हाँ। सो हेयर इज 45 ए कॉलम दे विच असीं 45 देखांगे, दिस इज़ द 45। थर्ड डिजिट इज 6, बी कॉलम च 6 ते जावांगे ते 45 दे हॉरिजॉन्टली असीं वैल्यू देखांगे 6 दे कॉलम दे विच किन्नी है, दैट इज़ 2858। इहनू असीं लिख दिंदे हां एक साइड ते, हेयर द वैल्यू इज़
2858. नेक्स्ट फोर्थ डिजिट इज 2, दैट इज द मीन डिफरेंस. इस तरह इस जगह पर जाके असी मीन डिफरेंस देखते हाँ, दैट इज 1. इस 1 नूं असी इहदे विच ऐड कर देंगे, इट इज 9582. ठीक है जी, ये साडे कोल वैल्यू आ गई. हुण असी यह देखना है कि किन्ने डिजिट्स तो बाद डेसीमल पॉइंट जिहड़ा है वह आएगा. इत्थे साडे कोल करैक्टरिस्टिक किन्ना है, 0, 0, दैट इज़ द करैक्टरिस्टिक. इहदे विच प्लस 1 करांगे, इट बिकम्स 1 डिजिट. तो 1 डिजिट इहदा मतलब 2 तो इस जगह पर साडा पॉइंट लग जाएगा. सो हेयर द एंटी लॉग ऑफ 0.4562 इज 2.859. सैकेंड केस जिहड़ा है वो असी करते हैं, इन विच करैक्टरिस्टिक इज नैगेटिव. थोड़ा जहा कंप्लीकेटड है एज कंपेयर टू पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक वाले केस तो, क्योंकि इतने करैक्टरिस्टिक साढ़े को नैगेटिव आता है. जिदा कल असी लॉगरिथम च एक लास्ट के एग्जाम्पल की जिद करैक्टरिस्टिक जो है वह नैगेटिव आ जाता है. वह वैल्यू नैगेटिव कदों आती है, जदों असी किसी इस तरह की वैल्यू का लॉग देखते हैं जिड़ी लैस दैन 1 होएगी. लैस दैन 1 उहदे विच करैक्टरिस्टिक नैगेटिव आता है. इहदा मतलब यह है कि जिहड़ी जदों असीं एंटी लॉग देखांगे इस तरह की वैल्यू का जिहदा करैक्टरिस्टिक नैगेटिव हुंदा आ. फॉर एग्जाम्पल जे असीं सीधा असीं इत्थे एग्जाम्पल लिखते हाँ कि वैल्यू है -2.8291. इहदे विच जिहड़ा करैक्टरिस्टिक है वह नैगेटिव है साडे कोल. दैट मीनस इहदा असीं जदों एंटी लॉग देखांगे तां वह जिहड़ी वैल्यू आएगी साडे कोल वह वैल्यू लैस दैन 1 होएगी. ठीक है जी, क्योंकि इनवर्स है लॉगरिथम दा. इहदा मतलब ये जिहड़ी वैल्यू है नैगेटिव करैक्टरिस्टिक वाली इह तों जदों असीं इहदा एंटी लॉग देखांगे तां वह वैल्यू आएगी जिहदा असीं लॉग देख के वैल्यू बनाई सी. ठीक है जी, हुण असीं इहदा की देखना है, एंटी लॉग. एंटी लॉग देखण दे लई दोनों नूं अलग अलग कर दिंदे हां. पहलां तां असीं करैक्टरिस्टिक इहदे विच की है -2. हुण देखो ध्यान नाल नोट करो कि यह वैल्यू जिहड़ी है वह किस तरह बनेगी जदों मेंटेसा किस तरह हुंदा आ. देखो जे मेंटेसा इत्थे मैं -0.8291 लिखदा हां, दैन एक्चुअल च यह वैल्यू आएगी साढ़े को -2 -0.8291 दोनों एड अप हो जाएंगे तो आ वैल्यू आ जाएगी. पर मेंटेसा कभी भी नैगेटिव नहीं देखा जाता. इहदा मतलब सब तो पहला काम यह होएगा कि वी हैव टू चेंज द नैगेटिव मेंटेसा टू पॉजिटिव वैल्यू. एंड फॉर दिस इफ वी कैन राइट इट एज -3 +1 -0.8291. मैं इस करैक्टरिस्टिक नूं -2 नूं इस तरह लिख लिया -3 +1. ये भी एक तरह के ना -2 ही होएगा. हुण मैं आ जिहड़ा +1 है इनू यूज करूँगा इस साइड ते तां कि मेंटेसा जिहड़ा है वह साडा पॉजिटिव हो जाए. 1 दे विचों इन्ना माइनस करांगे तो साढ़े को मेंटेसा जिहड़ा है वह पॉजिटिव वैल्यू च आएगा, दैट इज 0.1709. ठीक है जी, कुछ इस तरह करता मैं. इस 1 दे विचों आ नैगेटिव मेंटेसा माइनस करता तो साढ़े को वैल्यू पॉजिटिव आ गई. जदों पॉजिटिव वैल्यू साढ़े को आ गई, हुण इस वैल्यू का असी एंटी लॉग टेबल दे विचों देखांगे. टेबल लैने, साडे कोल वैल्यू है फस्ट 2 डिजिट 17.
17 देखो इधर किधर है, हाँ है 17.17, दिस इज नेक्स्ट डिजिट 0 है, 0 बी कॉलम दे विच 0 आही वाली रो है, तो साढ़े को वैल्यू आ रही है इट इज 1479, दिस इज द वैल्यू, पर अजे फोर्थ डिजिट अजे 9 बाकी है, 9 फोर्थ डिजिट जिहड़ा है उहदे च असीं देखांगे ते आ वैल्यू साढ़े कोल आ रही है 3, ओके आ मेन डिफरेंस है 9, इहदे विच असीं इस हॉरिजोंटल रो दे विच इत्थे जिथे क्रॉस कीती इह कॉलम ते रो 3 आ गया, इहनू असीं इत्थे 3 लिख लैंदे आ ते इहनू असीं ऐड कर दिंदे आ दोनों नूं, इट बिकम्स दिस। सो ये तो वैल्यू असी टेबल तो नोट कर ली, ठीक है जी, पर अजे साढ़े कोल करैक्टरिस्टिक का काम हजे बाकी है। थानू याद होगा कि असी कीता सी कि जो असी लॉग देखते सी कि जिहड़ी वैल्यू लैस दैन 1 हुंदी है उहदे विच जिन्ने 0 डेसीमल पॉइंट के राइट साइड पर हुंदे सी उस विच एक अंक ऐड करके असी नैगेटिव करैक्टरिस्टिक बना देंगे सी, जिदा कि थानू याद होवे पिछली एग्जाम्पल दे विच डेसीमल पॉइंट के राइट साइड पर 2 0 सी उहदे विच एक अंक ऐड करके माइनस द 3 साढ़े कोल मेंटे साढ़े कोल करैक्टरिस्टिक आया सी, ठीक है जी। जे उहनू प्रोसैस नू रिवर्स कर दईए इत्थे साढ़े कोल माइनस 3 है करैक्टरिस्टिक, इहदा मतलब की है इहदे विचों इस अंक दे विचों एक अंक माइनस करांगे दैन 3 दे विचों एक अंक 1 यूनिट डिक्रीज करन दे नाल इह आएगा 2, इहदा मतलब साढ़े कोल इत्थे डेसीमल पॉइंट दे राइट हैंड साइड ते 2 जीरोस होणगे। सो दैट मीन्स द एंटी लॉग ऑफ माइनस 2.8291 इज 0.001482। जेकर थानू याद होवे या तुसी वीडियो देख लियो ते असी उस दिन इहदा लॉग ही देखिया सी जिहदी वैल्यू आई सी, इहदा मतलब इह है कि इसे वैल्यू नू अगर असी पिछली वीडियो दे नाल मैच करिए तो दैन की है इट इज़ द माइनस 2.8291 इज इक्वल टू द लॉग ऑफ 0.001482, ठीक है जी, ये प्रीवियस वीडियो दे विच असी देखिया सी ऑफ लॉगरिथम। थोड़ा जिहा कंप्लीकेटेड हुंदा है क्योंकि इस जगह ते आके सानू मेंटेसा नू जिहड़ा है वह नैगेटिव पार्ट जिहड़ा है उहनू पॉजिटिव बनाना पैंदा है, वह पॉजिटिव बनाउण दे लई सानू करैक्टरिस्टिक नू थोड़ा जिहा अलग करके लिखना हुंदा है, एक अंक बधा दईदा करैक्टरिस्टिक नू, दैट इज़ माइनस 3+1 दैट इज़ माइनस 2, ते इस 1 दे विचों आ माइनस करदे हां टर्म ते साडे कोल मेंटेसा पॉजिटिव आ जांदा है, ते पॉजिटिव मेंटेसा दी वैल्यू फाइंड आउट करदे हां असीं टेबल दे विचों, ते फिर इस दे चों एक लैस करके असीं जिहड़ा डिजिट आया साडे कोल जिहड़ा वैल्यू आई 2 आई, दैट मीनस 2 जीरोज़ जिहड़े है ओह टू द राइट ऑफ डेसीमल पॉइंट असीं लगा दिंदे हां, दैट इज़ द वैल्यू एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। आई होप थानू ये समझ लग गया होएगा, इफ यू हैव एनी डाउट दैन प्लीज राइट इन द कमेंट सैक्शन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बैल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स।